कि आज हम चेक करने वाले हैं कि मीटर में डिफरेंस कितना है एज़ पर एक्चुअल स्पीड। मैं आप लोगों से मोबाइल से और उससे एनालॉग से बता रहा हूँ मीटर से, जबकि आप लोग जो हैं वो मोबाइल के साथ साथ कैमरा टेलीमेट्रिक्स का भी देख रहे होंगे। पिंडी का मौसम बहुत मज़े का हुआ है, सामने बादल हैं, बारिश की आज थी प्रेडिक्शन लेकिन अभी तक बारिश हुई नहीं है पिंडी के अंदर। आप लोग स्पीड डिफरेंस का आपको कंटिन्यूस नज़र आ रहा होगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड गाइस, बेबीज एंड बॉयज एंड स्मार्ट स्मार्ट छोटे छोटे कन्याणों और न्याणियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रमेश कुरैशी एंड यू वाचिंग मी ऑन दी मोटो व्लॉगर। आज की कहानी बहुत मज़े की है कि आज हम चेक करने वाले हैं कि मीटर में डिफरेंस कितना है एज़ पर एक्चुअल स्पीड और मीटर स्पीड में डिफरेंस कितना है। सो मेरे साथ बंदे रहे, जुड़े रहे और देखते रहे आगे तक वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की दिलचस्प वीडियोस मैं बनाता रहूँगा बैक टू बैक। चलें जी अभी हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं क्योंकि आगे उतराई होगी तो थोड़ी स्पीड हमें मिलेगी। सो हम लोग जो है रावल रोड की साइड से जाएँगे, पिंडी में मौजूद हूँ इस टाइम। सो जी उतराई आ गई है तो हम करते हैं अपना टेलीमेट्रिक्स को भी ऑन, जो ऑलरेडी ऑन है, और हम मोबाइल पे भी देखते हैं और एनालॉग मीटर पे भी देखते हैं कि क्या डिफरेंस चल रहा है। स्लो स्पीड पे हम लोग इतनी तेज़ नहीं है। मीटर के ऊपर एनालॉग मीटर पे 55 आ रही है, 54 55 के आसपास चल रही है, और यहाँ पे डिजिटल मीटर पे 49 किलोमीटर्स। सो 5 किलोमीटर का डिफरेंस अभी तक स्लो स्पीड के अंदर आ रहा है। हमें जहाँ पर थोड़ी सी जगह सही मिल रही होगी हम वहाँ पर स्पीड अप होंगे, और स्पीड अप होकर हम थोड़ा सा और इसको क्लोजली मोनिटर करेंगे कि वाकई में 5 किलोमीटर का डिफरेंस है या एज़ पर एक्चुअल डिफरेंस ही नहीं है या फिर एक्यूरेट मीटर है। चलें देखते हैं जी आगे। थोड़ी सी यहाँ पे जगह सही है, 60 पे बाइक की स्पीड है, बाइक के एनालॉग मीटर के 60 पे स्पीड अटकी हुई है और यहाँ पे 54 पे है। 60 से ऊपर गया 61 पे तो यहाँ पे 65 के करीब जा रहा है जब वहाँ पर, तो यहाँ पर ओके वापस पीछे की तरफ आ रहा है क्योंकि स्पीड स्लो हुई है बाइक की। मैं आप लोगों से मोबाइल से और उससे एनालॉग से बता रहा हूँ मीटर से, जबकि आप लोग जो हैं वो मोबाइल के साथ साथ कैमरा टेलीमेट्रिक्स का भी देख रहे होंगे कि कैमरा पे क्या सीन चल रहा है, कैमरा के जो जीपीएस स्पीड है वो क्या आ रही है। सो जी अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारी बाइक बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई है, एनालॉग मीटर भी ज़ीरो पे है और ये वाला मीटर भी ज़ीरो पे है, और मुझे उम्मीद है टेलीमेट्रिक अगर चल रहा हुआ तो वो भी ज़ीरो पे ही होगा। इशारा लोग तोड़ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग तोड़ रहे हैं। ओके जी इशारा खुल गया। अभी यहाँ पे स्पीड डायरेक्टली मेरे बाइक की पहुँच गई है। अगेन वी आर एट 55 और 51, मतलब 4 किलोमीटर का डिफरेंस अभी तक आ रहा है यहाँ पे मोबाइल के और इस एनालॉग मीटर के अंदर, जो जेन्युइन मीटर है बाइक का उसके अंदर। अभी 60 पे हैं हम जी और यहाँ पे 56, 4 किलोमीटर का डिफरेंस। आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, 61 60 के आसपास है और यहाँ पे 56 पे आ गए हैं। तो इन शॉर्ट 5 किलोमीटर का डिफरेंस अभी तक आ रहा है हमको यहाँ पे नज़र। एक और चीज़ का हम टेस्ट कर लेंगे अभी थोड़ी देर में, थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्पीड अप होंगे हम यहाँ से थोड़ा सा, उम्मीद तो है जगह मिल रही है हमें यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे स्पीड ऊपर जा रही है और यहाँ से भी स्पीड ऊपर हो रही है, दोनों मीटर की स्पीड ऊपर है, लेकिन डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा क्लोजली अगर आप लोग थोड़ा सा वीडियो को बढ़ा करके देख लें फुल स्क्रीन पे। मिनिमम 720 पे आप अगर इसको देखें तो आपको ज़्यादा खूबसूरत वीडियो, ज़्यादा क्लियर वीडियो नज़र आ रही होगी। पिंडी का मौसम बहुत मज़े का हुआ है, सामने बादल हैं, बारिश की आज थी प्रेडिक्शन लेकिन अभी तक बारिश हुई नहीं है पिंडी के अंदर। तो जी यहाँ पे रोड थोड़ी खुली है तो हम लोग थोड़ा स्पीड अप होंगे, लेकिन आगे फिर स्पीड ब्रेकर्स भी यहाँ पे लगा दिए हैं इन लोगों ने, तो उससे भी हमें थोड़ा सा नुकसान होगा स्पीड का। हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, स्पीड थोड़ी सी अप करेंगे यहाँ पे, लेकिन वो सामने देख सकते हैं आप दोबारा से आगे स्पीड ब्रेकर आ गया। अब ये बैक टू बैक दो स्पीड ब्रेकर्स हैं, एक ये है और एक ये है। आप लोग स्पीड डिफरेंस का आपको कंटिन्यूस नज़र आ रहा होगा कि 5 से 8 किलोमीटर का आ रहा है इसके अंदर। सो जो पुराने मॉडल का बाइक है YBR G 2016 के आसपास जो है बाइक, उनमें मेरा ख्याल है जो 5 से 8 किलोमीटर का डिफरेंस ही है।
मैक्सिमम 8 किलोमीटर्स कर लेते हैं और मिनिमम 5 किलोमीटर पे लेके आते हैं, क्योंकि इससे कम भी हो सकता है लेकिन मेनली इतना ही आ रहा है। लोग अगेन हम 60 को बेंचमार्क रख रहे हैं ताकि हम लोग जो बैक टू बैक टेस्ट कर रहे हैं ये, तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि बेंचमार्क जब हमने 60 रखा हुआ होगा तो हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मेरी स्पीड जो है बाइक की बिल्कुल नीचे आ गई, कितने पे है उधर, ओके ओके हम 20 पे हैं और यहाँ पे 14 16, जैसे जैसे वहाँ से ऊपर जा रहे तो यहाँ से भी 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ आता जा रहा है। ओके नाउ वी आर एट 40 और यहाँ पे 36 ओके 40 पे कंसिस्टेंट मैंने सुई रोकी हुई है वहाँ पे, और यहाँ पे 36 पे है और एनालॉग मीटर के ऊपर 40, यहाँ पे 36 37 और टेलीमेट्रिक्स के ऊपर क्या आ रहा है ये हम वीडियो में देखेंगे, जब हम बना रहे होंगे तब हमें नज़र आएगी, जब एडिट कर रहे होंगे मेरा मतलब है तब हमें पता चलेगा। हम पहुंच आए हैं चांदनी चौक के पास, यहाँ से आगे तो हम सोचे भी ना कि हमें कोई जगह खुली मिलेगी और हम थोड़ा सा कोई वीडियो प्रॉपर शूट कर पाएंगे। अगर आप लोग बाइक पर टूरिंग के शौकीन हैं और बाइक पे घूमने फिरना देखना चाहते हैं, देखते हैं आप लोग खुद भी करते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोज़ में हमारे साथ बने रहें। बाइक का जो मीटर टेस्ट हुआ है जी, अब तक का फाइनल मीटर टेस्ट जो हुआ है उसके मुताबिक बाइक के एनालॉग मीटर में और डिजिटल मीटर के मुताबिक और टेलीमेट्रिक्स के साथ हम जब बाद में चेक करेंगे तो वो भी हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा, लेकिन एनालॉग और डिजिटल मीटर के मुताबिक 5 किलोमीटर का मैक्सिमम डिफरेंस है। मतलब पहले मैं 8 किलोमीटर कह रहा था लेकिन बाद में 3 से 5 किलोमीटर पर आ गया हूँ। जहाँ पर इंटरनेट अच्छा मिल रहा होता है वहाँ पर ये हमें ज़्यादा प्रिसाइज आंसर कर देता है, हमारे क्यूरी को ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर रहा है ये। तो मेरे मुताबिक मेरे YBR G2016 मॉडल का जो मीटर डिफरेंस है स्पीड से, एक्चुअल स्पीड से, वो है तकरीबन 5 किलोमीटर पर आर। और आप लोग अपने मीटर अपने बाइक का भी मुझे ज़रूर देख के बताइएगा, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस टेस्ट को ताकि आप लोगों को भी पता चले आप लोगों के बाइक का कितना डिफरेंस है मीटर, एक्चुअल स्पीड और मीटर में, ताकि आप लोगों को भी और मुझे अपने बाइक का मॉडल लिख के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन सा मॉडल का कितना डिफरेंस आ रहा है, सो हमें पता चले ना हमें भी कि हमारे बाइक का डिफरेंस ज़्यादा है कि दूसरे बाइक्स का ज़्यादा है। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप आने वाले सफ़र में नई वीडियोज़ में, नए रस्ते में, नई कहानी में और नई तरह की इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ में हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे, अल्लाह हाफिज़।